अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, तो आपका भी शायद जवाब होगा अस्पताल और दवाओं के बिल से। और बात सही भी है, प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल, डॉक्टर दवाई लिखते हैं तो टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि अस्पतालों से दवाएं मिलती नहीं है। इसीलिए मरीज को बाहर केमिस्ट से ही दवाई खरीदनी पड़ती है, जिनका रेट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगी दवाइयों का बोझ कम करने के लिए ही भारत सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे 8 अगस्त को नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी किया। इस गैजेट नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं। इसमें कहा गया है कि हर एक आरएमपी यानी भारत का रजिस्टर्ड डॉक्टर अपने मरीज को जेनेरिक दवा ही लिखेगा और बेमतलब में कोई भी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन नहीं लिखेगा। मरीज को पीएम जन औषधि केंद्र से सस्ती दवा लेने के लिए प्रेरित करना होगा। सभी डॉक्टर या तो मरीज को प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन देंगे या फिर दवा का नाम कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे, जिससे मरीज आसानी से दवा का नाम पढ़ सके। इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 71 पर लिखा है कि हर एक आरएमपी यानी भारत का रजिस्टर्ड डॉक्टर अपने मरीज को जेनेरिक दवा ही लिखेगा और बेमतलब में कोई भी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन नहीं लिखेगा। गैजेट नोटिफिकेशन के पेज नंबर 76 पर डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं और प्रिस्क्रिप्शन संबंधी गाइडलाइन दी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर मरीजों को कौन सी दवाई लिखे। भारत सरकार बीते कई वर्षों से लगातार केंद्र सरकार के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को आदेश दे रही है कि मरीजों को सिर्फ सस्ती जेनेरिक दवाएं ही लिखी जाएं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर लगातार मरीजों को सस्ती जेनेरिक दवाओं की जगह महंगी ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। सरकार ने आदेश नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार के आदेश का कोई असर हो रहा है। डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई हो सकती है, अब वो देखते हैं। पहला, बाहर से महंगी और ब्रांडेड दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर को सबसे पहले चेतावनी दी जाएगी। दूसरा लेवल है, डॉक्टर पर जुर्माना लगेगा, लाइसेंस 30 दिन तक रद्द होगा। तीसरा लेवल, जुर्माने के साथ 3 महीने तक लाइसेंस रद्द होगा। चौथा लेवल, जुर्माने के साथ 3 महीने से 3 साल तक लाइसेंस रद्द होगा। और पांचवा लेवल, डॉक्टर का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन क्या सरकार के दिशा निर्देशों का अस्पतालों में पालन हो रहा है? इसी का रियलिटी चेक करने के लिए जी मीडिया संवाददाता शिवांग मिश्रा और पूजा मक्कड़ देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स और आरएमएल अस्पताल पहुंचे। हमें अस्पताल के बाहर कई मरीज मिले जिन्होंने अपना दर्द ऑन कैमरा बताया। देश का सबसे बड़ा अस्पताल दिल्ली का एम्स, यहां हर रोज हजारों मरीज आते हैं इस उम्मीद में कि जल्दी ही स्वस्थ होकर घर लौट जाएं। लेकिन जब अस्पताल के डॉक्टर जेनेरिक दवाइयों के बजाय महंगी और ब्रांडेड दवाइयों के पर्चे लिखते हैं, तो मरीज का बीपी ना चाहते हुए भी हाई हो जाता है। कुछ दिन पहले एनएमसी का एक नोटिफिकेशन तक आ गया और उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि जितने भी डॉक्टर हैं वो जो दवा प्रिस्क्राइब करेंगे वो दवा जेनेरिक नाम से प्रिस्क्राइब करेंगे। तब आइए आपको ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं और एम्स दिल्ली से उस पड़ताल की शुरुआत करते हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, केंद्र सरकार का अस्पताल है, खुद देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पर अपना इलाज करवाने आते हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एम्स में डीजीएचएस के उस आदेश का और एनएमसी के नोटिफिकेशन का कितना पालन हो रहा है। एम्स के बाहर मरीज और उनके तीमारदार हैरान और परेशान हैं। दिमाग में बिल का बोझ और हाथों में डॉक्टर्स का पर्चा है, जिस पर लिखी हैं ब्रांडेड दवाइयाँ। ये रंजीत है, रंजीत के पर्चे पर ब्रांडेड दवाइयाँ लिखी गई हैं। समझ नहीं आ रहा बाहर से इतनी महंगी दवाइयाँ कैसे खरीदें। दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल, टैबलेट पैन 40 ओडी, और ये लीजिए, ये आप देखिए टैबलेट पैन 40 ओडी, ये आप देख लीजिए टैबलेट, एक और लिखी हुई है, ये लिखी है इट्रोडोनेट टैबलेट,
या देखिए सारी के सारी जेनरिक दवाइयाँ, एक भी नहीं है इसमें जेनरिक दवाइयाँ, सारी के सारी ब्रांडेड दवाइयाँ इनको लिखी है रंजीत जी को। रंजीत जी कोई भी दवा अंदर मिलती है? नहीं, खाली दो दवाई मिला है। खाली दो दवा अंदर मिला, बाकी दवा के लिए क्या है? बाहर से लेना वाला। बाहर से? बाहर मतलब कितनी महंगी मिलती है अंदर से? महंगी दवा है। महंगी दवा है? कितने इससे पहले लिए? 2500 का दवा लिए। एम्स के बाहर ही हमें विनय कामत भी मिले। डॉक्टर्स ने विनय कामत के पर्चे पर जेनेरिक दवाइयों की बजाय ब्रांडेड दवाइयां लिखी। सुनिए विनय का दर्द। विनय कुमार रावत जी का पर्चा हम लोग के साथ है और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर दिव्या MR। ठीक, अब आप दवा देखिए। टैबलेट जेन 300 mg, टैबलेट शेल्काल। सरकार कह रही है जेनेरिक दवाइयां लिखी हैं, लेकिन यहां पर भी ब्रांडेड दवाइयां लिखी जा रही हैं। कब मतलब कब आए थे आप दिखाने? क्या मतलब समस्या, थोड़ा सा बताइए ना। समस्या मेरे को न्यूरो से प्रॉब्लम है, न्यूरो से रिलेटेड समस्याएं हैं। ये हमारा पार्ट जो है ना मूव करता है। हाँ, तो उसी सिलसिले में मैं आया था। अच्छा कामत जी, कहाँ पर रहते हो आप, कहाँ से आए हो? मैं तो बेसिकली हूँ बिहार से सर। अच्छा, बिहार से। लेकिन मैं यहाँ रहता अभी साकेत में हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप देखिए, ये कामत जी का पर्चा है। एक बार जरा पर्चा दिखाइएगा गौतम जी एक बार आप। और पर्चे को आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार के आदेश की, DGHS के आदेश की, NMC के आदेश की और खुद एम्स प्रशासन के आदेश की अवहेलना एम्स में की जा रही है, एम्स दिल्ली में। एम्स के ही एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक गुंजन हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीदेवी नायर, सिर्फ एम्स के पर्चे पर डॉक्टर्स और मरीजों के नाम बदल रहे हैं काम नहीं। ये आप देख लीजिए ये पर्चे को, एम्स का पर्चा है। 2 तारीख को ये आए थे यहाँ पर दिखाने, 2 तारीख का ये पर्चा। अब इसमें देखिए जो इनको दवाइयाँ लिखी गई हैं, सबसे पहले तो आपको हम लोग दवाइयाँ दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये 10 तारीख को, 10/8/2023 को ये दवा लिखी है। ये देखिए मोहर लगी हुई है, सीनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। अब दवा क्या लिखी है देखिए, पेंटॉप टैबलेट, पेंटॉप 40 mg, टैबलेट अल्ट्रासेट, टैबलेट प्रीगैबलिन, टैबलेट जिंकोविट। जो डॉक्टर दीपक हैं ये मतलब यहीं कहीं हैं? दीपक गुंजन। हाँ। वहीं पे हैं वो, एम्स में? एम्स में ही हैं। अच्छा, इन्होंने तो उन्होंने लिखवाया सर। अच्छा, अब उन्होंने लिखे बोला कि यहाँ पे आने के लिए। हाँ। अच्छा, दवा वगैरह ले लिया? हाँ, नहीं दवाई तो नहीं ली है सर। हाँ। ये जो टेबलेट वगैरह लिखे है ना, ये बस लेके खा रहे हैं, मरीज की हालत खराब होती जा रही है। ये वाली टेबलेट? जी हाँ। अब आप देखिए इसमें भी जो दवाई लिखी हुई देखिए, EP Vigamox, EDP Lone, हाइड्रोसॉफ्ट, टेबलेट फ्लेक्सॉन, सारी यहाँ पर जो दवाइयाँ लिखी हैं ब्रांडेड दवाइयाँ लिखी हैं। आज का ही पर्चा है 6/8/2023 का, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर श्रीदेवी नायर। अच्छा सर एक बात बताइए, दवा अंदर मिली थी कुछ? क्या क्या है, दवा मिली कुछ? नहीं मिली? नहीं, अभी तो लंच चल रहा है, बाकी कह रहे हैं सारी नहीं मिलेगी। दिल्ली एम्स के बाद हम राजधानी के एक और बड़े अस्पताल राम मनोहर लोहिया के बाहर पहुँचे। यहाँ भी मरीजों का वही दर्द दिखा जो एम्स के बाहर दिखा था। आज OPD की डेट थी मैडम, दिखवाया मैंने, दवाई लिखवाई है। ये तो मुझे नहीं पता ये जेनरिक दवाई है या नहीं है। नहीं पता? हाँ, ये मेरे को नहीं पता, बट ये उन्होंने लिखा। मैं डिस्पेंसरी में गया, वहाँ आधा घंटे लाइन में लगा रहा, उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया कि हमारी डिस्पेंसरी में ये दवाई नहीं है। हमें ये दवाई, हाँ बिल्कुल मना कर दिया, हमारे पास नहीं है, कट्टे का निशान लगा दिया, ये दवाई नहीं दिया। बाहर से लेने पर हमें यहाँ से मेडिकल से लेना पड़ता है, ये दवाई महंगी मिलती है। ये जय भगवान है, डॉक्टर्स ने इनके पर्चे पर ब्रांडेड दवाइयां लिखी हैं, लेकिन शायद नाम में भगवान होने की वजह से जय भगवान पर भगवान की कृपा हो गई और इन्हें सारी दवाएं सस्ती जेनेरिक ही अस्पताल के भीतर बड़ी डिस्पेंसरी में मिल गई। हाँ, मिल गई, मिल गई सारी दवाएं, मिल गई। हाँ। अच्छा, यही दवाएं आपको बाहर से खरीदनी पड़े तो कितनी महंगी पड़ेंगी? ये अगर वो अंदर के बजाय बाहर से लेते ना, वहाँ 100 रुपये की है तो यहाँ 140 रुपये की है कम से कम। मामला चूंकि देश के लोगों की सेहत से जुड़ा था, इसीलिए हमने दिल्ली एम्स की प्रवक्ता और जेनेटिक विभाग की प्रमुख डॉक्टर रीमा दादा से एम्स का पक्ष जानना चाहा। रीमा ने कहा, एम्स प्रशासन लगातार डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए आदेश दे रहा है। खुद एम्स दिल्ली के डायरेक्टर कई बार डॉक्टरों से सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखने का आदेश दे चुके हैं और निगरानी भी रख रहे हैं। हालांकि कभी कभी डॉक्टरों से चूक हो रही है, जहां वो दवा के जेनेरिक नाम की जगह ब्रांड का नाम लिख रहे हैं। एम्स प्रशासन जेनेरिक दवाओं के प्रति पूरी तरह से सजग है और जेनेरिक नियमों का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई भी करेगा। हमने राम मनोहर लोहिया अस्पताल का पक्ष भी जानना चाहा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की मीडिया सेल के चेयरमैन ने क्या कहा वो सुनिए। जो ब्रांडेड मेडिसिन जो लिखी जा रही है, क्योंकि ये पुराने लोगों की जो आदत पड़ी हुई है, उसका क्या कहते हैं, एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है,
तो हम अपने लोगों को बीच बीच में एडवाइजरी जारी करते रहते हैं कि आप मैक्सिमम वो ब्रांडेड मेडिसिन न लिखें, आप जेनरिक मेडिसिन लिखें, और ताकि क्या कहते हैं पेशेंट को भी इकोनॉमिकल बर्डन न पड़े, और जेनरिक इज एज इफेक्टिव एज ब्रांडेड मेडिसिन। तो हम लोग हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन चूंकि ये ट्रांजिशन पीरियड है और गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है जिसको हमको मानना भी हमारे लिए अनिवार्य है, तो हम उसको मानते हैं और क्या कहते हैं उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है और हमको पूरा उम्मीद है कि क्या कहते हैं हम इसको साल भर के अंदर अंदर क्या कहते हैं अपने सारे जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसको हम जेनरिक मेडिसिन में चेंज कर लेंगे। क्या डॉक्टर्स के लिए जेनरिक दवाएं लिखना कंपलसरी होना चाहिए, या फिर ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो मरीज को कौन सी दवा देना चाहता है? इसी सवाल को हमने IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल से पूछा। शरद अग्रवाल का तर्क बिल्कुल हटकर था। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है, जो हमने बहुत सारे हॉस्पिटल से डॉक्टर से बात करी है, क्रॉनिक मेडिसिन के, क्रॉनिक डिसीज के जो मरीज जेनरिक मेडिसिन ले रहे हैं उनको वह उतनी इफेक्टिविटी नहीं है। तो हमारा सिर्फ इशू यही है कि हमें अगर गवर्नमेंट या NMC कहती है आप जेनरिक लिखो, दे हैव टू इंश्योर कि वो जेनरिक मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी, इफेक्ट वो प्रॉपर हो। अगर सरकार या NMC सिंसियर है कॉस्ट को लेके, तो वो ब्रांडेड मेडिसिन की MRP क्यों नहीं कम कर देती? MRP डॉक्टर तो डिसाइड नहीं करते हैं, MRP तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, और उसमें ह्यूज मार्जिनस हैं, उसे कम कर दे अगर कॉस्ट इज ओनली द इंटेंशन ऑफ दैट। अगर हम जेनरिक लिखेंगे और हम लोग ब्रांडेड लिखेंगे नहीं, तो ब्रांडेड का प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, उसका होगा क्या उन दवाइयों का? पर्चे पर लिखी ये दवाएं मरीजों और उनके तीमारदारों का BP हाई कर रही हैं। सरकार के आदेश के बाद भी डॉक्टर्स ब्रांडेड दवाइयां लिख रहे हैं, जिसके बीच में फंसा हुआ है आम इंसान, जिसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे महंगी दवाइयां खरीदेगा, कैसे उसका इलाज होगा। पूजा मक्कड़ के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। हमारी रिपोर्ट देखकर आपको समझ आ गया होगा कि अस्पतालों में क्या खेल चल रहा है। सरकार जेनेरिक दवाओं पर जोर दे रही है ताकि मरीजों को सस्ती दवाएं मिले, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को छोड़िए, यहां तो बड़े बड़े नामी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी ब्रांडेड मेडिसिन लिख रहे हैं। ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक दवाओं के दाम में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अब आपको ये फर्क भी समझाता हूं। सिप्ला कंपनी की सिप्लॉक्स 500 mg की कीमत 40 रुपए है, जबकि जन औषधि केंद्र पर इसी के जेनेरिक नाम वाली सिप्रो फ्लॉक्सैसिन 500 mg की कीमत है 17 रुपीज। एल्कम की पैन 40 और सन फार्मा की पेंटोसिट की 15 टैबलेट की कीमत है लगभग 140 रुपए, जबकि जन औषधि केंद्र पर इनके जेनेरिक नाम पैंटो पेराजोल की 10 टैबलेट की कीमत है मात्र 11 रुपए। यानी रेट में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह ब्रांडेड जीरो डोल की कीमत है 49 रुपए और जेनेरिक एसिक्लोफेनिक की कीमत है मात्र 4 रुपए। इसी तरह ब्रांडेड नॉर्मैक्सिन, ट्रिप्टोमर, बेकोजिंक, इन सभी का जेनेरिक वर्जन जन औषधि केंद्र पर मौजूद है, जहां इनकी कीमत 5 से 15 गुना सस्ती है। ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं के रेट में आ रहा फर्क आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आरोग्य भारत के सपने पर बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर ही बट्टा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पहले से ही परेशान मरीज महंगी दवाओं के बोझ तले दबता जा रहा है। रवि जी, लोगों को लगता है कि इतनी सस्ती है तो जरूर क्वालिटी से कोई ना कोई समझौता होगा, तो आप यहाँ क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं उसको देखते हैं। सो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी से ही हम लोग केवल ये दवाइयाँ खरीदते हैं, तो उनके एक स्टैंडर्ड्स हैं, उनको वो फॉलो करते हैं, उसके आधार पर ही वो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उन दवाइयों को प्राप्त होने के बाद, ये जो आप सामने वेयरहाउस में डिफरेंट स्टैक्स में रखी हुई दवाइयाँ देख रहे हैं, इनमें से हर दवाई का जो बैच है उसका एक प्रिस्क्राइब्ड सैंपल साइज़ है, तो वो दवाइयों को लेके हम देश में चुनिंदा 13 NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं, वहाँ पर सैंपल के लिए इनको भेजा जाता है, और वहाँ पर इनका डिसोल्यूशन, इनका SA कंपोजिशन के आधार पर इनकी जाँच होती है। वहाँ पर उनकी पुष्टि होने के बाद ही, जो स्टैंडर्ड्स हैं इन दवाइयों के वो होने के बाद ही, इनको जो उधर वाला एरिया है वहां से इनको डिस्पैच किया जाता है देश भर के जनौषधि केंद्रों को। आपने भी अस्पतालों में अक्सर डॉक्टर के पास दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी MR आते हुए देखे होंगे। ये MR डॉक्टर को अपनी कंपनी की दवा के फायदे गिनवाते हैं, लेकिन इसी के पीछे कमीशन और गिफ्ट्स का खेल चलता है। डॉक्टर की सहमति के बाद ये MR
डॉक्टर के बताए मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और अपनी कंपनी की दवाएं दे देते हैं। एमआर मेडिकल स्टोर संचालक को भी पूरा खेल समझाता है, जिसके बाद कमीशन के इस खेल में मेडिकल स्टोर संचालक भी शामिल हो जाता है। अस्पताल में दवाई मिलती नहीं, इसलिए मरीज के पास एक ही विकल्प बचता है और वो ऑप्शन होता है बाहर से महंगी ब्रांडेड दवाई खरीदने का, जिसमें मरीज उलझ कर रह जाता है और डॉक्टर, एमआर और मेडिकल स्टोर की मोटी कमीशन तय हो जाती है। जब देश के बड़े बड़े अस्पतालों में यह हाल है तो दूसरे अस्पतालों का क्या हाल होगा। पे नियर बाय ने एक सर्वे किया था जिसमें पता चला था कि भारतीयों की 15% आय का हिस्सा हर साल बीमारी के इलाज में चला जाता है। सोचिए, एक आम इंसान बीमारी के साथ साथ महंगी दवाओं के बोझ तले किस कदर दबा हुआ है। इस तस्वीर को बदलने की जरूरत है ताकि सरकारी अस्पताल में महंगी और ब्रांडेड दवाएं लिखने की प्रैक्टिस बंद हो सके। हमने आपसे कहा था कि इस बार जनता का किस्सा जनता का हिस्सा बोलेगा, इसीलिए आज हम इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच भी गए। हमने जनता से पूछा कि क्या डॉक्टर्स के लिए जेनेरिक दवाएं लिखनी कंपलसरी होनी चाहिए। इस पर जनता ने क्या कहा, आप सुनिए। जेनेरिक दवाई सस्ती है, सरकार का कहना अच्छा है कि जेनेरिक दवाइयां डॉक्टर लिखें, बट जेनेरिक दवाइयों का एज ए पेशेंट के तौर पर मैं कहूँगा कि मुझे तो जिस दवाई से ठीक होगी तो मैं वो चॉइस करूँगा लेने के लिए, चाहे सस्ती हो या महंगी हो, पहले तो स्वास्थ्य। मेडिकल एसोसिएशन को छूट देनी चाहिए कि भाई क्या मेडिसिन लिखनी है क्या नहीं लिखनी, के अंदर जो जेनेरिक मेडिसिन है और इथिकल है, दोनों अलग अलग होती हैं। उसमें ये है कि मरीज के कौन से डायग्नोसिस पे क्या काम कर रही है मरीज और कौन सी दवा सेटेड होगी, उसी डायग्नोसिस के हिसाब से डॉक्टर्स को अथॉरिटी देनी चाहिए कि उसका इलाज सही तरीके से हो जाए। जेनेरिक दवा लिखने से क्या पेशेंट को एक तो किसी उस ब्रांडेड दवा के लिए कहीं घूमना नहीं पड़ेगा और वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, साथ में वो कम रेट की भी हो सकती है तो मरीज को आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए मैं इसके लिए केंद्र सरकार का निर्णय है वो स्वागत योग्य है। डॉक्टर जो लोग होते हैं वो मरीज से बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रहते हैं, डॉक्टरों को पता है कि किस मरीज को कौन सी दवा क्या लिखनी चाहिए, तो मैं तो इस फैसले का जो INC जो केंद्र सरकार ने जारी किया है इसका मैं विरोध करना चाहूँगा और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के समर्थन में यही कहना चाहूँगा कि इसका फैसला डॉक्टरों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं वो अधिकांश केसों में जेनरिक दवाई लिखें, क्योंकि हमारा देश बहुत गरीब है, प्रत्येक व्यक्ति बहुत महंगी दवाइयों को नहीं खरीद सकता, तो इस देश में ज़्यादातर जेनरिक दवा ही लिखनी चाहिए प्रत्येक डॉक्टर को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जेनरिक दवा ही लिखे। पैसे वाले को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो सब एक समान है, उसकी तो लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लो क्लास आदमी है, गरीब आदमी, वो कहाँ से खरीदेगा इतनी महंगी दवाई का, 700-800 की एक ही दवाई पड़ती मिलती है तो कहाँ से खरीद पाएगा। सस्ती दवाई और जेनरिक दवाई इनको लिखनी चाहिए जो कि गरीब का कल्याण जी, गरीब का सुधार हो, स्वस्थ रहे हो। Z News।